सोनिया गांधी जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोई तुगलक जिंदाबाद। आज हमने शुरू किया है मेंबरशिप ड्राइव बॉन्ड ब्लॉक से। इंशाल्लाह रहमान एक दो दिन में हम काजीगुंड दिवसर से और यसू से भी शुरू करेंगे और कुलगाम से भी शुरू करेंगे। कांग्रेस इंशाल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर में मजबूत है। मैंने मुखालफत नहीं की है, मैंने बोला अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ डिक्लेयर सीएम कैंडिडेट न किया जाए तो कांग्रेस को बहुत खतरा है, इसलिए पुराने कांग्रेसियों को वापस लाए जाए, उनको ओहदे पर एडजस्ट किया जाए, उस पर मैंने बात छोड़ी है। कांग्रेस इंशाल्लाह रहमान आज हमने यहाँ मेंबरशिप ड्राइव की है, कल परसों हम कुलगाम काजीगुंड ये दिवसर और यसू में भी करेंगे मेंबरशिप ड्राइव, नूराबाद में भी करें, हर जगह करेंगे। कांग्रेस मजबूती की तरह हमारी लीडर है मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद। अच्छा दूसरा जो गलत है उनको पद्म भूषण इसलिए मिला, उसने एमओएस होम जब थे उसने नागालैंड में काम किया, उसने पंजाब में काम किया, एज पंजाब इंचार्ज आया है तंजीम की तरफ से जनरल सेक्रेटरी, बेन सिंह को चीफ मिनिस्टर वहाँ बनाया, एज ए जम्मू कश्मीर उस वजीर आला काम किया, एज ए हेल्थ मिनिस्टर पोलियो पूरे हिंदुस्तान में ख़त्म हो गए, उस पर उसको इनाम मिले, उसकी काम पर उसकी अनस्ती पर उसको इनाम मिला है पद्म भूषण, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। ये जो गिने चुने कुछ हजारों लोगों ने उसको वेलकम किया है, बड़े लोगों ने उसको वेलकम किया, एक्स मिनिस्टर करण सिंह ने वेलकम किया, रेणुका चौधरी ने वेलकम किया, कपिल सिब्बल ने वेलकम किया, शशि थरूर ने वेलकम किया, आनंद शर्मा ने वेलकम किया है, मनीष तिवारी ने वेलकम किया, सब लोगों ने वेलकम किया। एक मैं उसको मजम्मत करता हूँ, उसको पता नहीं है ये क्या हो गया, लिहाजा आज़ाद साहब की एनेस्थेसिया की हो, आज़ाद साहब की काम करने से उसको ऐसे कम लीडर होते हैं हिंदुस्तान में जिनको ये मिलता है, उसको हमारी पार्टी को उससे बहुत इज्जत मिली है, इज्जत मिला रियासत जम्मू कश्मीर, और मजबूत हो जाएगा गुलाम नबी आज़ाद और मजबूत होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा आज आपके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, कुछ दिनों के बाद है हजरत नूरशाही बगदादी वली रहमत आला का वर्ष मुबारक है, यहाँ अभी भी बर्फ़ है, ये रोडों से हटना चाहिए क्योंकि यहाँ से 10-20 हज़ार लोग होंगे उस दिन, यहाँ पर लाखों के तैदाद में यहाँ लोग घूमते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब से, एसपी साहब से और एसएचओ साहब से अपील करता हूँ कि और आरएनबी काजीगुंड से ये बर्फ़ हटना चाहिए और पावर होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, पानी होना चाहिए, हर तरीका कार होना चाहिए, जो कि इधर कोंड मोड़ से यहाँ तक बहुत बर्फ़ है रोड पर, यह हटना चाहिए कि क्या ज़ाहिरीन बहुत आते हैं इस दिन, इंशाल्लाह रहमान ये अच्छी तरीके से यहाँ लोग मनाएंगे। इस बर्फ़बारी के बाद जो ये पहला दौरा था 3-4 गांवों का और उसके बाद हम व्हाट्सएप के साथ गए, पूरे कानूनसी का दौरा भी किया, लेकिन जो शिकायतें पहुँची हैं वो पावर के मतलब पहुँची हैं, किस जगह पानी का मसला था, तो हर एक मसले का हम लेके कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेके जाएंगे और फौरनी तौर इसका हल हम निकालेंगे। कुछ जगह पर टेंडर निकले हुए थे लेकिन अभी तक कोई टेंडर आया नहीं, बाकी ट्रांसफार्मर की जो डिमांड है हमने रखे हुए हैं, कलम मीरपुरा भी, हाबलिशी मकदमपुरा भी, मानीगाम नयतार ब्रिज भी, आगरू भी, और इसके अलावा जो बाकी ट्रांसफार्मर भी है वो रखे हुए हैं, लेकिन टेंडर कोई अभी डाल नहीं रहा क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी ऐसी है, जहां फाइनेंस डिपार्टमेंट को रूल चेंज करने थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को सोचना था कि थर्ड टायर सिस्टम जो पंचायत का बना है ये फर्स्ट टाइम बनाया हमने, और अगर हम इन्होंने ट्रांसफार्मर रखे या कोई काम रखा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो एट ए टाइम रूल चेंज किए, एंडिंग दिसंबर में ही 30% आप बाई बिल पेश कीजिए, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर डर रहे हैं, ठेकेदार लोग, तो हम उनसे अपील करना चाहते हैं भाई आपका पैसा लैपस नहीं होने देंगे, अभी हम 4-5 साल के लिए डीडीसी मेंबर हैं, आप टेंडर डाल दीजिए, चाहे वो मीरपुरा का हो, चाहे आगरू का हो, चाहे मकदमपुरा का हो, चाहे नैतरा ब्रिज हो या और भी कोई, मैं आपसे ये गारंटी देता हूँ कि आपका पैसा आपको मिलेगा, और ये बात हम कल डीसी साहब के पास भी लेके जाएंगे क्योंकि लोग डरे हुए हैं। और उसके अलावा आपकी चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपील करना चाहता हूँ कि जनाब हमें मौका दे दीजिए, पीआरआई का फंड जो है 100% आप 31 मार्च को ही लैपस कीजिए, 31 मार्च से पहले नहीं, जो आपने 30% इसमें आपने बताया कि काम होना चाहिए, 100% को हमें मौका दे दीजिए ताकि हम मार्च तक वो खर्चा कर सकें।
नहीं तो पैसा लैप्स हो जाएगा। 31 के बाद हम आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, 31 तक हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए जो आज यहाँ पे तारिक साहब ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, ये एक मैसेज है टू द यूथ कि देखिए जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे या जॉब्स के पीछे हम लोग लग जाते हैं, एक इनिशिएटिव जो एक यूथ यहाँ का ले रहा है एंड खुद एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, इट इज़ ए मैसेज फॉर अदर यूथ्स आल्सो। हमारे होनहार दोस्त छोटे भाई तारिक साहब ने आज यहाँ अपनी बिजनेस का इनॉग्रेशन किया। इनफैक्ट इन्होंने बहुत एक अच्छा सेक्टर चूज़ किया है। इस सेक्टर की हमारे शीप हस्बेंड्री की जो पोटेंशियल है, यहाँ 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अच्छे फीडिंग फिलहाल सप्लाई कर डायरेक्ट फार्मर्स दिन अच्छा तूत तूफान यूत हम दुकानदार द्रोग तूत माल द्रोग कह वो पान ये असल ब्रीड ये शीप यह सप्लाई कर फ्रेंड सो चार्टर्ड बैंक टीम मैनेजर तम सुन सो चार्टर्ड बैंक त्रवित कि तम लोग गौ फार्म चलाने इज माई फ्रेंड एज वेल एज ब्रदर मे दोप ये यूत क्वालिफाइड अस टीम मैनेजर MBA कर लड़के त्राई डायरी फार्म तो बुस गो तम चीजन कोर्स बहुत इम्प्रेस कि तवे लोग मे हे हमरे फीडिंग सिस्टम ऑल फीड सर चूंकि अगर वो बुस अपील कर जवान अगर तुम मे तरफ कह हेल्प आज जरूरत कुन तो बिजनेस कुन सेक्टरस मन बस अपील कर तुम हेकन मे सब रबत कर मेन नंबर 7006888280।